और पुलिस के सामने गूंगे भी बात करने लगते हैं। ये कहावत तो आपने कई दफा सुनी होगी। इस कहावत को मुंबई पुलिस ने सच करके दिखा भी दिया है। दादर पुलिस ने दो ऐसे चोरों को पकड़ा है जो पहले तो लाखों की चोरी करते थे और पकड़े जाने पर खुद को गूंगा और बहरा बताकर सहानुभूति पा लेते थे। इस तरह बचकर निकल भी जाते थे, कामयाब भी हो जाते थे। ये दोनों चोर कर्नाटक से मुंबई से फिर चोरी करने के लिए ही आते थे और चोरी करते ही वापस कर्नाटक भाग जाते थे। 25 वर्षीय चंद्रू और 19 वर्षीय मुर्गेश मूल रूप से कर्नाटक के रहने वाले हैं और मुंबई में कई चोरियों को अंजाम दे चुके हैं। दरअसल एक घर के दोनों चोर जेवरात चोरी कर भाग रहे थे, तभी घर वालों के शोर से दोनों चोर ज्यादा दूर नहीं भाग पाए और दोनों ने जमकर दोनों चोरों को पकड़कर पिटाई कर दी है और किसी ने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस भी मौके पर पहुंची और दोनों चोर से पूछताछ शुरू कर दी, लेकिन चोरों ने इशारों में बात करने लगा और खुद को गूंगा बहरा साबित करने की कोशिश करने लगा। पुलिस ने दोनों चोर को हिरासत में लेकर ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास ले गई, जहां दोनों चोर पूरी तरीके से जांच कराई गई, जिसमें खुलासा हुआ कि दोनों बोल सकते हैं। पुलिस इस पूरे मामले की कड़ाई से जांच कर रही है।